देखिए, अब यहाँ पे हम लोग नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, यानी कि वो चैप्टर जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की। कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी में बनेंगे जो एक्सक्रीटरी हैं, और कैसे हमारी बॉडी उनका एलिमिनेशन करेगी। अब बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। सबसे पहला तो वर्ड ही आ जाता है एक्सक्रीशन, इस वर्ड को थोड़ा समझेंगे और इसके ही इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूमेगा। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं। एक्सक्रीशन इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि आपकी बॉडी के जो मेटाबॉलिक वेस्ट थे, मेटाबॉलिज्म जानते हैं आप, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, यानी चीजों का टूटना और बनना, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और इसमें से जो कुछ भी प्रोडक्ट निकले जो वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एनिमल बॉडी। कौन सी बॉडी? एनिमल बॉडी, हमारी बॉडी हो या किसी दूसरे जानवर की हो। टू रेगुलेट द कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यूज, और किस लिए हो रहा है ये, कि हमारे बॉडी के जो फ्लूइड्स है यानी लिक्विड है जो हमारी बॉडी के अंदर, उसको रेगुलेट करा जाए, उसकी कंसंट्रेशन कहीं ज्यादा तो नहीं हो रही, कहीं कम तो नहीं हो रही, यानी हाइपरटोनिक तो नहीं है, हाइपोटोनिक तो नहीं है, आइसोटोनिक है। तो हर जगह अलग अलग टाइप का जो कंपोजिशन है हमारे बॉडी के फ्लूइड्स का, जैसे ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, इनके फ्लूइड्स का कंपोजिशन मेंटेन रखने के लिए या उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए जो भी प्रोसेस हो रहे हैं एलिमिनेशन के, मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने के, वो सारे प्रोडक्ट क्या, वो प्रोसेस क्या कहलाते हैं, एक्सक्रीशन कहलाते हैं। ठीक, तो एक्सक्रीशन के बारे में हमें ये बात समझ में आ गई, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्सक्रीशन इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द एनिमल बॉडी टू रेगुलेट द कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यूज, क्लियर। अब बात करते हैं कि भाई आपने कहा कि एक्सक्रीशन तो हो गया, लेकिन अब एक्सक्रीशन में कौन कौन सी चीजें हम एक्सक्रीट करते हैं, क्या डिफिकेशन भी एक्सक्रीशन ही है, यानी कि फीसेस जो मल को त्यागना होता है, क्या वो भी एक्सक्रीशन ही है? नहीं, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, वो इजेशन है, वो डिफिकेशन कहलाता है, जिसमें फीसेस बाहर निकलती, वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था, उसमें एनाबॉलिज्म का कोई पार्ट ही नहीं था, कैटाबॉलिज्म ही थी, सिर्फ टूट ही रहा था, ब्रेकडाउन हो रहा था, और जिन चीजों का ब्रेकडाउन नहीं हो पाया, पूरी तरह से टूट नहीं पाई और हमारी बॉडी में वो स्टोर नहीं हो पा रही, तो उनको बाहर निकाल दिया जा रहा है, वो कहलाता है एक्सक्रीशन नहीं, डिफिकेशन। और एक्सक्रीशन में हमारी बॉडी ने पूरा प्रोसेस किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की मेटाबॉलिज्म हुई, मेटाबॉलिज्म के बाद जो कुछ भी चीजें बची जिनको हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती है, उसे बाहर निकाल देती है। Yes, अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स में और फैट में कौन सी चीज बाहर निकलेगी, तो अमीनो एसिड्स, प्रोटीन के जो सबसे छोटी यूनिट है वो है अमीनो एसिड, प्रोटीन सब टूटते हैं तो मोनोमर में टूटते हैं, वो अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को ही हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती, या कोई भी ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी स्टोर नहीं कर सकती, किसको, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर सकती है, फैट को स्टोर कर सकती है, चर्बी आपके जमा हो गई, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जमा हो जाता है, आप अगर कहें कि अमीनो एसिड तो साहब वो तो नहीं होते, तो अमीनो एसिड को बाहर निकालना होता है। अब अगर आप गौर से देखें तो अमीनो एसिड का कंपोजिशन आपको पहले ही बताया जा चुका है, आपको बायोमोलिक्यूल्स पे हमने एमिनो एसिड के बारे में बताया था कि एक एमिनो एसिड जो होता है उसमें एक एमिनो ग्रुप होता है, एक R, एक कार्बन है और इससे COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये एक एल्काइल ग्रुप है, R ग्रुप, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, यहाँ पे आप एरोमेटिक कंपाउंड्स भी लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा एक अमीनो एसिड, इस अमीनो एसिड को हमारी बॉडी को बाहर निकालना है, लेकिन इस अमीनो एसिड से क्या होता है, हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट पे यानी अमीनो ग्रुप को ही बॉडी के बाहर निकालती है, ये जो पार्ट होता है इसका यूज कर लेते हैं एटीपी फॉर्मेशन में, एटीपी को बनाने में इसका यूज हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट ही हमारी बॉडी से निकलेगा, ये अमोनिया बना लेगा, हाँ। और अमोनिया बड़ा ही नुकसानदेह है हमारी बॉडी के लिए, तो अमोनिया को बाहर निकल जाता है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अमोनिया डायरेक्टली बाहर निकाल देंगे,
कुछ एनिमल ऐसे हैं जो अमोनिया को यूरिक एसिड या यूरिन यूरिया में कन्वर्ट करेंगे, लाइक जैसे हम लोग हैं, हम लोग यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसी बेसिस पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रोडक्ट निकालते हैं, लेकिन होता वो नाइट्रोजन ही। तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हो गए? अमोनिया हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। मेन तो ये है जो एनसीईआरटी में दिए हुए। इसके अलावा और भी होते हैं, फिलहाल पहले इसकी बात कर लेते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में हमारे कौन से हो गए? ये तीन हो गए। अब ये कैसे हमारी बॉडी एलिमिनेट करेगी, बाहर निकालेगी, ये आया है बड़ा क्वेश्चन कि हमारी बॉडी फिर इसको बाहर कैसे निकालेगी साहब, अमोनिया यूरिया या यूरिक एसिड। यहां तो आपने जो निकाला है ये अमीनो ग्रुप है जो अमोनिया बना सकता है, लेकिन यूरिया कैसे बनेगा, ठीक है, और यूरिक एसिड कैसे बनेगा, ये बात आई। तो पहले इस बात को जान लेते हैं कि कौन अमोनिया निकालेगा, कौन यूरिया निकालेगा और कौन यूरिक एसिड निकालेगा। इसके अलावा अभी और बताएंगे गुआनोटेनिक भी होते हैं जो गुआनिन को निकाले, वो सारी बातें बाद में, लेकिन फिलहाल अभी ये समझिए एमिनो एसिड जो होता है अमोनिया, अमोनिया वाटर में हाईली सॉल्युबल, पानी में वाटर सॉल्युबल है खूब, ठीक है, यानी कि पानी में घुलनशील है, पानी में खूब घुल जाएगी अमोनिया। तो जब पानी में खूब घुल जाएगी अमोनिया तो इजिली पानी से बाहर निकाल सकती है डिफ्यूजन के थ्रू। तो वो एनिमल्स जो पानी के अंदर रहेंगे वो अमोनिया को निकाले डायरेक्ट अपनी बॉडी से, एक्सक्रीशन पानी के अमोनिया का। जो पानी और जमीन दोनों में आएंगे उनमें अमोनिया जो होती है वो इन फॉर्म ऑफ यूरिया आ जाती है। यूरिया का फॉर्मूला आपको पता है NH2CO NH2। ऑर्निथिन एक साइकिल होता है जिसमें बताएंगे ऑर्निथिन साइकिल कैसे यूरिया बनती है हमारी बॉडी के अंदर, ये उस साइकिल के थ्रू ये यूरिया बना लेंगे और इसको कम पानी की जरूरत पड़ती है, यानी कि अमोनिया को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है इसलिए ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास पानी ही कम है तो पानी में ज्यादा रहते ही नहीं है, जैसे हम लोग पानी में कहां ज्यादा रहते हैं, ज्यादा पानी हमारे पास ही नहीं, तो क्या करेंगे, ज्यादा पानी चाहिए तो क्या करो भैया, यूरिया ले लो, इसको यूरिया में बदल लो और यूरिया कम पानी की जरूरत होती है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें बहुत कम पानी मिलता है, अब हद से ज्यादा कम पानी मिल रहा है, जैसे रेगिस्तान में वो कौन होता है, ठीक है, डेजर्ट, डेजर्ट डेजर्ट में भी लेजर्ड्स होती हैं, कैमल, तब अब वो क्या करें, कैंगरू रैट, एक कैंगरू रैट होता है ये कभी जिंदगी में पानी नहीं पीता है, कैंगरू रैट कंगारू के जैसा चूहा, ये पानी ही नहीं पीता, कभी जिंदगी भर पानी नहीं पीता, ये मेटाबॉलिक वेस्ट आपका जो मेटाबॉलिक होता है फैट के मेटाबॉलिज्म से पानी को लेता है और सॉलिड वेस्ट को बाहर निकालता है, और वो सॉलिड वेस्ट क्या है, तो पानी पीता ही नहीं है, पानी पीता ही पानी नहीं पीता वो, तो ये यूरिक एसिड होते हैं। इस तरह से आपने देखा कि जिसमें पानी ज्यादा होता है, जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा पानी रखते हैं अपने आसपास वो अमोनिया को निकालेंगे, जो कम पानी रखते हैं अपने अंदर वो यूरिया को निकालेंगे, और जो बहुत ही कम पानी रखते हैं वो यूरिक एसिड को निकालेंगे। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप फिलहाल यहां देखिए तो क्या होता है कि अमोनोटिलिज्म, अमोनोटिलिज्म यानी वो ऑर्गेनिज्म जो एक्सक्रीट कर रहे हैं अमोनिया को, इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनोटिलिज्म, अमोनोटिलिज्म, और वो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, अमोनोटिलिक। तो क्या करते हैं ये अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे, अमोनोटिलिज्म का मतलब है एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, इज कॉल्ड अमोनोटिलिज्म, और वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, अमोनोटिलिक कहलाएंगे। जैसे अब हमने आपको बताया कि पानी में ये जो पानी में एम्फीबियंस रहते हैं उभयचर एम्फीबियंस, वो टैडपोल ऑफ फ्रॉग, जैसे फ्रॉग का टैडपोल होता है, फ्रॉग जब लार्वा की फॉर्म में होता है, अच्छा, जब ये टैडपोल में रहता है वो ये पानी में रहता है, तो ये क्या करेगा, ये भी अमोनिया को ही, और सर जब फ्रॉग बन जाते तो हाँ, तो फिर आगे अभी दिखाएंगे। फिर सैलामेंडर की बात करें तो सैलामेंडर भी ये एक एम्फीबियन है, तो ये भी। इसके अलावा एक्वाटिक इंसेक्ट, जो पानी में रहने वाले कुछ इंसेक्ट्स हैं और कुछ आर्थ्रोपोड्स जैसे कि प्रॉन हो गया, झींगा। इसके अलावा आप हाइड्रा की बात करें
पोरीफेरा में, सीलेंट्रेटा में आपने देखा है, सीलेंट्रेटा का एनिमल है हाइड्रा, अमीबा और पैरामीशियम, साथ ही साथ लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक आप जानते हैं, टेप वॉर्म फीता क्रमी आप जानते हैं, एस्केरिस और मेरिस और अर्थवॉर्म और लीच, स्पॉन्जेस और क्रोकोडाइल, एनिमल किंगडम, ये सब के सब किस तरीके के हैं, सब के सब अमोनियोफिलिक है, यानी इनमें अमोनिया का एक्सेस होता है, पानी में रहते हैं, तो याद करने वाली चीज है। सर क्रोकोडाइल तो बाहर भी रहता है। हाँ तो एम्फीबियन लाइक है ना, आधे पानी के अंदर जाएंगे, पानी के बाहर भी रहेंगे, पानी के अंदर ये जो है क्या कर रहे हैं, अभी एलिगेटर आएगा, अगले वाले में देखिएगा एलिगेटर आएगा, तो एक क्रोकोडाइल है, ठीक, अमोनियोफिलिक होगा। अब बात करते हैं यूरियोटिलिज्म, यूरियोटिलिज्म मतलब जो यूरिया को निकाले, जो एक्सक्रीट करते हैं किसको, यूरिया को, उन्हें क्या कहते हैं, यूरियोटिलिक, और ये प्रोसेस कहलाता है यूरियोटिलिज्म। यस यूरियोटिलिज्म, अमोनियोटिलिक, यूरिकोटिलिक और यूरियोटिलिक बहुत पूछा जाता है, तो याद कर लीजिएगा यूरियोटिलिज्म या यूरियोटिलिक कौन हो गए, एस्केरिस अर्थवॉर्म, अरे एस्केरिस तो यहां भी था, यहां भी है, अर्थवॉर्म यहां भी था, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है, इनमें दोनों तरीके का हो सकता है, यानी अर्थवॉर्म जो बाहर होगा तो ये इस तरीके से, पानी के अंदर होगा तो वो इस तरीके से, ऐसे ही एस्केरिस के भी है, जब ज्यादा पानी होगा तो वो इस तरीके से, कम पानी होगा तो इस तरीके से एक्सिट कर लिया, ऐसे ही कार्टिल बोनी फिशेस करती, कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस में आती है रेस, शार्क्स, स्केट्स, ये सारी आती हैं, तो कार्टिलेजिनस फिशेस भी क्या करेंगी, यूरिया का एक्सक्रीशन करेंगे। कुछ सेमी एक्वाटिक रेप्टाइल्स है, यानी कि कुछ ऐसे रेप्टाइल जो कुछ पानी में रहेंगे कुछ देर और कुछ देर जमीन पर रहेंगे, जैसे टर्टल्स हो, टेरेपिन्स हो, एलिगेटर्स हो, और हमारा और साथ ही साथ हमारे जैसे और भी मैमल्स, सबके सब पानी और टेलीसोन, पानी में इतना नहीं रहते हैं। अच्छा इसमें एक बात और देखिएगा, ये शार्क जो होती है, शार्क रखे लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिया अपने अंदर रख लेती है, यूरिया को, अच्छा तो क्यों, बहुत सारी यूरिया को बाहर निकालती है, अपने अंदर भी रखती है, वो भी टॉक्सिक होती है, यूरिया तो टॉक्सिक भी है, लेकिन फिर भी शार्क को यूरिया को अंदर रखना पड़ता है, क्यों, शार्क कहाँ रहे, समुद्र में रहे, समुद्र कैसा है, सॉल्टी वाटर, जब सॉल्ट ज्यादा होगा लवणीय जल, जब लवण यानी सॉल्ट बाहर ज्यादा होगी, अंदर सॉल्ट कम है तो क्या होगा, पानी अंदर से बाहर की तरफ ना निकल जाए, तो इसलिए ये अपनी यूरिया को अपने अंदर रखती है, ताकि क्या हो, कंसेंट्रेशन मेंटेन रहे, ब्लड बॉडी फ्लूइड्स की कंसेंट्रेशन मेंटेन रहे, ठीक है, तो ब्लड के अंदर, इन देयर ब्लड, देयरफॉर ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर अप्रोचेस दैट द सी वाटर, सी वाटर पानी जो है समुद्र के जल के जैसा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर विच मिनिमाइज वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी, ताकि उसकी पानी बॉडी के अंदर से पानी का लॉस कम हो, मिनिमाइज हो जाए। अब आते हैं यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म का मतलब है किसका एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, जब यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होने लगेगा तो उसे कह देंगे यूरिकोटेलिज्म, यूरिया का होना था तो यूरियोटेलिज्म, देखिए यूरियो ईओ है और यूरिको, यूरिको क्या लिखेगा, यूरिक एसिड तो यूरिको और यूरिया तो यूरियो और अमोनिया तो अमोनियोटेलिज्म, क्लियर। अब इसके एग्जांपल्स में बात करना चाहेंगे, इसके एग्जांपल में रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, लैंड स्नेक्स हैं, स्नेक्स मतलब घोंघे जो होते हैं, लैंड स्नेक्स और इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच आ गया, रेप्टाइल्स में लिजार्ड्स और स्नेक्स आ गए, बर्ड्स जो है वो ग्वानो, बर्ड की जो बीट होती है उसे क्या कहते हैं, ग्वानो कहते हैं, तो अब उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं ग्वानो के बारे में भी क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है कंसंट्रेशन ग्वानो की, तो ग्वानो में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड इज सो हाई इन ग्वानो, तो ग्वानो जो होता है, ग्वानो क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि बर्ड्स जिस तरीके से एक्सक्रीट करेंगे, जिस चीज को एक्सक्रीट करते हैं उसे कहते हैं ग्वानो, ये क्या है, वेस्ट मैटर ड्रॉप्ड बाई सी बर्ड्स यूज एज फर्टिलाइजर्स, किसके द्वारा होता है ये, सी बर्ड्स, सी बर्ड्स होते हैं, इनका जो वेस्ट मैटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्वानो कहते हैं, और ये हाईली कंसंट्रेटेड है यूरिक एसिड, इसमें बहुत होता है, ठीक है, तो इसका यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर, तो यूरिक एसिड इसको कमर्शियली एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द ग्वानो, ग्वानो से कमर्शियली निकाल लिया जाता है, जो बीट है उसकी उससे कमर्शियली खींच के निकाल दिया जाएगा, विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द अनइनहेबिटेड मरीन और लिटोरल आइलैंड, जो लिटोरल आइलैंड होते हैं
ये कौन से होते हैं जो बिल्कुल पास वाले किनारे किनारे वाले आइलैंड है, उन पे जो है यहाँ कलेक्ट किया जाता है उनमें से, तो बर्ड्स सी बर्ड्स है वहां आएगी उन जगहों से उठा लिया जाएगा किसको ग्वानो को, और उसमें से क्या निकाल लिया जाएगा यूरिक एसिड निकाल लिया जाएगा। ऐसे ही हम लोग जैसे है हम लोग जो प्राइमेट्स इंक्लूडिंग मैन ऑल्सो एक्सक्रीट सम यूरिक एसिड, कुछ हम लोग भी यूरिक एसिड बनाते हैं जो कैसे बनता है विच इज फॉर्म्ड इन देयर बॉडी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी जब हमारी न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है तब यूरिक एसिड बनता है, उसको भी हम थोड़ा थोड़ा निकालते हैं, जैसे पसीने में निकल जाता है, पसीना जब निकालते हैं तो उसमें यूरिक एसिड निकलता है। ठीक है, अब बात करते हैं अमीनोटिलिज्म, अमीनोटिलिज्म मतलब अमीनो एसिड डायरेक्ट निकलने लगा, अमीनोटिलिज्म का मतलब क्या हुआ डायरेक्ट अमीनो एसिड ही एक्सक्रीट होने लगा। तो सर्टेन इनवर्टिब्रेट्स लाइक सम मोलस्क, तो कुछ मोलस्क हैं जैसे यूनियो हो गया, लिमनिया हो गया एक्सेट्रा, एंड सम इकाइनोडर्म जैसे एस्टेरिया से स्टारफिश, इनमें क्या होता है ये अमीनो एसिड को ही डायरेक्ट बाहर निकाल देते, कोई अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप नहीं निकालना, कुछ नहीं करना, सीधा अमीनो एसिड आया पूरा एक्सक्रीट कर दिया पूरा पूरा, तो इसे कह देते हैं अमीनोटिलिज्म। ठीक, ऐसे ही ग्वानोटिलिज्म, ये क्या करते हैं ग्वानिन को निकालते हैं, देखिए ग्वानो और ये ग्वानो अलग अलग, वो ग्वानो है सी बर्ड्स का एक्सक्रीशन और ये क्या है ये ग्वानोटिलिज्म है, स्पाइडर्स जो है ये ग्वानिन को बाहर निकाल देते हैं, जैसे एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन होता है डीएनए में होता है नाइट्रोजन बेस, तो ये डायरेक्ट ग्वानिन को अगर बाहर निकाल देंगे तो हम इस कंडीशन को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्वानोटिलिज्म, और एक्सक्रीट जो करते हैं एनिमल्स उन्हें कहते हैं ग्वानोटिलिक, क्या कहते हैं ग्वानोटिलिक। तो इस तरह से हमने कितने तरीके के एनिमल्स देखे, सबसे पहला कौन सा हो गया, सबसे पहला हो गया अमीनोटिलिक, दूसरे हो गए यूरियोटिलिक, फिर यूरिकोटिलिक, फिर अमीनोटिलिक और फिर ग्वानोटिलिक। तो इन सबके एग्जांपल्स आपको याद करना होगी, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं पिछले सालों में, तो आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चंस याद करना होगा, यही से सीधे सीधे तैयारी हो रही है नीट और बाकी एग्जाम्स की। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको रट्टाफिकेशन करना है, तो हमने आपको फिलहाल समझा दिया है, आपको रटना भी है साथ साथ। अब हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे कि जो आपने पढ़े अब तक जितने भी फाइलम, कौन कौन से पढ़े, पोरिफेरा, सीनेंटेटा, टिक्लोफोरा, प्लैटिहेलमिंथेसा, स्केलमिंथेसा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो अब उनके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि हर किसी में एक्सक्रीशन का एक ऑर्गन होगा, वो कौन सा होगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन उसको देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए यहाँ एक पूरा चार्ट बना दिया है, टेबुलेशन किया है, इसको आप लिखते चलिएगा साथ ही साथ में। इसमें हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करी है, अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो जो एनिमल्स के हो सकते हैं वो सारे हमने डिस्कस करी, मैच टू मैच यहाँ डिस्कस कर लेंगे, इसके अलावा कुछ ज्यादा आता नहीं, नीट नीट तक के सिलेबस में कहीं नहीं पूछा जाएगा, कुछ पीजीटी पीजीटी में भी इसके अलावा नहीं पूछते हैं। जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में एक्सक्रीटरी मेम्ब्रेन, देखिए यहाँ एनिमल ग्रुप की बात करेंगे इस तरफ बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी मेम्ब्रेन हो या एक्सक्रीटरी सेल्स हो या एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो प्रोटोजोआ की बात करें तो प्लाज्मो मेम्ब्रेन और पेलिकल के थ्रू होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ पेलिकल किसकी होती है, यूग्लिना, आपने पता है यूग्लिना की रिकवरी होती है पेलिकल की होती है, तो पेलिकल के थ्रू एक्सक्रीशन होगा प्रोटोजोआ में। स्पॉन्जेस की बात करें तो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल, हर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और मेगेरिया में भी सेम प्रोसेस रहेगा और टीनोफोरा में भी सेम प्रोसेस रहेगा। तो टीनोफोरा तक तो बात हमारी हो गई, जहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही उसकी हर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकलते हैं। लेकिन अब बात करते हैं प्लैटिहेलमिंथेस की, रोटीवर्ट्स की, सम एनिलिड्स एंड सेफालोपॉडेट लाइक एम्फियोक्सिस, इनकी बात करने तो इसमें क्या होता है प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। याद रखिएगा प्रोटोनेफ्रिडिया को ही हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, प्लैटिहेलमिंथेस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है काफी बार पूछा गया। निमेथेलमिंथेस या एनिलिडा, प्रोटोनेफ्रिडिया कह दिया, इसलिए हमने यहाँ पे मेटानेफ्रिडिया लिख दिया।
हालांकि खाली नेफ्रिडिया से भी काम चल रहा है। याद रखिएगा, अगर नेफ्रिडिया पूछा जाए या मेटल नेफ्रिडिया तो किसका है? एनिलिडा का। अब नेफ्रिडिया के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे नेफ्रिडिया विद नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम एक स्ट्रक्चर है, तो नेफ्रिडिया का अगर पूरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे अर्थवान जो पढ़ेंगे तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रिडिया का लगता है। तो यहाँ पे नेफ्रिडिया है विद नेफ्रोस्टोम, किसमें? नेरिस में। अर्थवॉर्म में विद और विदाउट नेफ्रोस्टोम होती है, और साथ ही साथ क्लोरोगोगन सेल्स होती है। एक्सक्रीशन के लिए क्या है यहाँ? क्लोरोगोगन सेल्स। बड़ी नहीं है अभी। लीच की बात करी जाए तो नेफ्रिडिया है विद नेफ्रोस्टोम, बिल्कुल उसी की जैसी। ठीक, और ये सब कौन सा नेफ्रिडिया है? मेटा नेफ्रिडिया। हमने मेटा नहीं लिखा है क्योंकि नॉर्मली नेफ्रिडिया ही लिखते भी है। आर्थ्रोपोडा की बात की जाए तो आर्थ्रोपोडा चूंकि लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम आपका कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स आएंगे। तो अलग अलग एनिमल जैसे क्रेब फिश हो गई या प्रॉन हो गई। देखिए क्रेब फिश भी एक आर्थ्रोपोडी है और प्रॉन। इसमें क्या होता है? एंटीलरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड के थ्रू इसमें एक्सक्रीशन होता है। अगर बात करी जाए इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स जैसे कि तुम्हारा कौन सा होता है? कॉकरोच। ठीक है, तो कॉकरोच में क्या हो जाता है? मैल्थीजियम ट्यूब्यूल्स। ठीक, साथ ही साथ नेफ्रोसाइट्स भी हो सकती है। स्कॉर्पियन या स्पाइडर की बात कर ली जाए तो मैल्थीजियम ट्यूब्यूल तो होगी, लेकिन कॉक्सल ग्लैंड होती है यहाँ पे। अगर बात करी जाए पेरिपेटस की, तो पेरिपेटस में मेटल नेफ्रिडिया होगी, बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ मेटल नेफ्रिडिया होगी, कॉक्सल ग्लैंड होगी, स्लाइम ग्लैंड होगी और एनल ग्लैंड होगी। तो मैमल में होता है कहाँ? पेरिपेटस। नहीं नहीं पेरिपेटस इसका है सर। ठीक, आर्थ्रोपोड का। लिमुलस की बात करी जाए तो लिमुलस यानी किंग क्रेब, इसमें कौन सा होता है? एक्सक्रीशन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड के थ्रू हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मोलस्का की। आपका अगला फाइलम कौन सा है? मोलस्का, जिसमें यूनि और पाइला है। तो इसमें किडनी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जरूरी नहीं कि किडनी हो, किडनी लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ दिक्कत है, जैसे कि यूनियो में किडनी को ही हम कह देते हैं ऑर्गन ऑफ बोजेनस। नाम क्या है? ऑर्गन ऑफ बोजेनस। और केबर्स ऑर्गन दोनों के दोनों किसे मिलेंगे? यूनियो मिलेंगे। और ये दोनों दोनों क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इसके अलावा इकाइनोडर्म की बात करी जाए तो इकाइनोडर्म के ऊपर डर्मल ब्रैंकी होती है और ट्यूब फीट होते हैं जिसके थ्रू यहाँ एक्सक्रीशन होता है। हेमिकॉर्डेटा की बात करी जाए तो यहाँ प्रोबोसिस ग्लैंड है। हेमिकॉर्डेटा में जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है प्रोबोसिस कहलाता है, उसी के थ्रू यहाँ एक्सक्रीशन होता है। ठीक, इसके बाद अब आता है कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स को बांटा है तीन पार्ट में, यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट्स। तो अब हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कॉर्डेट्स में कौन एक्सेट्री स्ट्रक्चर्स हैं। देख, अब यहाँ कॉर्डेट्स के बारे में बात करी थी तो देख लीजिए, लिख दिया है यहाँ पे कॉर्डेट्स में यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट्स। यूरोकॉर्डेट में हार्टबेनिया, हार्टबेनिया में न्यूरल ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीशन होगा। सेफेलोकॉर्डेट्स यानी एम्फियोक्सल, इसमें पैरिंजियल। देखिए अभी सेफेलोकॉर्डेट्स के बारे में बात करी थी जब हम लोगों ने प्लैटिहेलमिंथीज लिखा था यहीं पे। अब यहाँ पे सेफेलोकॉर्डेट्स को देख लीजिए, पैरिंजियल नेफ्रिडिया, हेड शेप नेफ्रिडिया या सोलिनोसाइट्स। सोलिनोसाइट्स को ही फ्लेम सेल्स कहते हैं या प्रोटो नेफ्रिडिया। याद रखिएगा, प्रोटो नेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स और सोलिनोसाइट्स एक ही नाम है जो प्लैटिहेलमिंथीज में मिलेंगे और जो एक्सक्रीशन के लिए सेफेलोकॉर्डेट यानी एम्फियोक्सिस में भी देखने को मिलेगा। वर्टिब्रेट्स की बात कर ले जाए तो वर्टिब्रेट्स में साइक्लोस्टोम्स, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। इन सब में एक पेयर किडनी होती है। अब किडनी कैसी होती है? मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक, आर्कियोनेफ्रिक, बहुत तरीके की किडनी होती है। किडनी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक हमने सारी बातें जो रटने वाली थी इस चैप्टर से, जिससे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, उन्हें पूरी डिस्कस कर लिया। उम्मीद कर रहा है चैप्टर आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। और अब हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसमें किडनी के बारे में बात करेंगे और उसकी फंक्शन यूनिट यानी कि जो उसका फंक्शन यूनिट है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन के बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।